नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल दुर्गा देसी खाना में। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घिया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, जो कि यहाँ गांव में तो उसको तीसी बोला जाता है, यहाँ अलसी बोलते हैं। तो चलिए हम आपको देसी घिया बनाना बताते हैं। देखिए, आज हम देसी घिया बनाने जा रहे हैं। ये है घिया, दो पीस घिया है, और ये है तीसी, जिसे यहाँ अलसी कहते हैं। देखिए, हम इसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो हम पहले घिया को उबालने के लिए रख देते हैं। इसे हमने धो के काट लिया है, इसको हम पहले उबालने के लिए रख देते हैं। देखिए, हमने सारे घिया गिरा दिया है इसमें। अब हम इसमें ये एक गिलास पानी डाल देते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच भर के नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। हम इसे उबाल रहे हैं, जल्दी हो जाते हैं इसे में, तो हल्दी डाल देते हैं। ढक्कन लगा के इसको हम दो सीटी लगाएंगे। दो सीटी लगेगा, हम ये छोटे पे घिया डाल देते हैं। जब तक घिया इस पे उबलेगा, इस पे हम तब तक ये अलसी को भून लेंगे। ये अलसी को हमें भूनना है। तो हमारा कढ़ाई गर्म हो रहा है, हम इसको भूनेंगे। ये अलसी डाल के घिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसलिए हम ये बना रहे हैं। देखिए, ये अलसी, अब मेरा ये कढ़ाई गर्म हो गया है, हम इसमें भून लेते हैं इसको अच्छे से। ये खूब अच्छे से चटकता है, इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। भूनने से ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनता है। देखिए, ये सारा अलसी हमारा भुन गया है। अब हम इसे थोड़ा सा दो मिनट और भूनेंगे, क्योंकि ये चटक ही रहा है, थोड़ा चटकना बंद हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा इसमें कालापन आ रहा है। ये हल्का हल्का कालापन जब आ जाए, तब समझिए ये अलसी हो गया। देखिए कितना अच्छा ये चटक रहा है। देखिए हो गया है। अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसे इसमें निकाल लेते हैं। अब ये थोड़ा ठंडा होगा, फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तब तक हम इसे, अब हम मसाला बना लेते हैं। गैस जला लेती हूँ, हम इसमें मसाला बनाएंगे। मसाला हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। ये रही, हम एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसमें हम दो लाल मिर्ची भी डाल के पीस लिए हैं, और ये धनिया है एक चम्मच लाल मिर्ची है, ये मिर्ची उतना तीखा नहीं होता है, और ये हल्दी है जो कि आधा चम्मच, जो कि थोड़ा उसमें मैं दिया हूँ, और मैं सब्जी में डालूँगी, और नमक स्वाद अनुसार। देखिए, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, हम रिफाइन ऑयल में बना रहे हैं। हम दो चम्मच के करीब तेल डाल लेते हैं, फिर हम इसमें गैस तेज कर देते हैं। ये हम इसमें थोड़ा फ़ोरन डालेंगे। देखिए, थोड़ा ये डाल दिया है तड़के के लिए, चटकने देते हैं। थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। देखिए, एक पिंच करीब हींग डाल दिया। इसमें हम ज़्यादा मसाला यूज नहीं कर रहे हैं।
प्याज गिरा देती हूँ। देखिए प्याज थोड़ा सा भून गया, फिर हम बाकी का मसाला गिरा देते हैं। प्याज के हम भूनने देते हैं, तब तक हम ये इसी जो है इसको हम पीस लेते हैं। ठीक है, हल्का हल्का ठंडा हो गया है, इसे हम पीस लेते हैं। देखिए मेरा प्याज भून गया है, अब हम ये पेस्ट गिरा देते हैं, इसे भी थोड़ा भून लेते हैं गैस तेज करके, इसे भी थोड़ा भून लेते हैं। अब साथ ही में हम ये मसाला जो लिया था तीन, ये साथ ही हम सारे गिरा देते हैं, इसे हमें इतना चाहिए मसाला ये, इसलिए हम सारे गिरा देते हैं। इसी के साथ हम ये टमाटर गिरा देते हैं, ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और खाने में भी। देखिए सीटी लग गया है, अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम इसको देखिए, अब इसमें नमक गिरा देते हैं, इसको हम जल्दी हम उसमें भी नमक डाले हैं एक चम्मच, इसीलिए हम इसमें थोड़ा डेढ़ चम्मच का नमक डालते हैं। देखिए ये भून गया है हमारा मसाला, गैस को हम कम कर लेते हैं। देखिए मसाला कितना अच्छा भून रहा है, जब तक इसमें घी नहीं छोड़ेगा हम तब तक इसे थोड़ा ढक के रख देते हैं, इसे ढक देते हैं, गैस को कम कर देते हैं। तब तक देखा मैं देखा ना, देखिए अब हम इसे खोल के देखते हैं। देखिए इसमें पानी छोड़ दिया है, मसाला अच्छे से भून गया है, इधर हमारा घिया भी हो गया है। देखते हैं इसे, देखिए घिया अच्छे से उबल गया है, अब हम सारे घिया इसमें ट्रांसफर करते हैं। देखिए गैस को तेज कर देते हैं, कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। देखिए अब हम इसमें थोड़ा तरी डालेंगे, हम इसमें एक गिलास पानी डाल देते हैं, एक गिलास हम उबालने टाइम में भी डाला था और एक गिलास अभी भी डाल देते हैं। अब देखिए हमने अलसी जो लिया था उसे हमने पीस लिया है, अब ये अलसी को हम इसमें इस चम्मच से, हाँ देखिए अब इसमें हम इस चम्मच से चार चम्मच ये तीसी डाल देते हैं। ये तीसी डालने से इसकी बहुत ही अच्छा स्वाद बनता है, और ये बाकी तीसी जो है इसको हम किसी डब्बे में बंद करके रख लेंगे, इसको आप चटनी बना के भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। देखिए अब हमारा ये बन के तैयार हो गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में, देखिए कितने जल्दी बन के तैयार हो गया है, और ये कितना टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा स्वाद होता है ये खाने में। देखिए कितने अच्छे बन के तैयार, इसकी कलर भी कितना सुंदर आया है, बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे आपको निकाल के दिखाएंगे, देखिए अब हम इसे गैस बंद कर देते हैं। देखिए ये हम इसमें निकाल लेते हैं, देखिए कितना सुंदर कलर बना है ये, जितना सुंदर कलर है उतना अच्छा ये खाने में भी स्वाद बनते हैं। अब एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।